पेयर्स और हमारे पास जो एम मीटर है उसकी जो नहीं है जो एम मीटर का करंट है वो आई वो है टेन एम पेयर्स उसकी जो रेंज है अब हमने क्या करना है अब हमने इसमें जस्ट शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आर एस जो है इसमें हमने उसको फाइंड आउट करना है और आपको आर एस का फार्मूला पता है जब हम एम मीटर को टॉपिक पढ़े थे तो मैंने बताया था इसका फार्मूला इसका फार्मूला है आई जी इंटू आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी ठीक है अब इनकी वैल्यूज को हम जस्ट पुट इन करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास आर एस का क्या आंसर आता है आर एस से मुराद मेरे पास शंट रेजिस्टेंस है आई जी की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं दैट इज ट्वेंटी माइनस थ्री फिर हम आर जी की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज ओम डिनोमिनेटर में मेरे पास आई जो है वो टेन एपेयर है और आई जी जो है वो मेरे पास ट्वेंटी मिली एमपेयर ट्वेंटी इंटू टेन टू एस पावर माइनस थ्री और जब हम इनको सॉल्व करते हैं न्यूमिनेटर में मैं अगर इनकी वैल्यूज लिखूं ट्वेंटी मल्टीप्लाई टेन टू एस पावर माइनस थ्री और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिफ्टी से और डिनोमिनेटर में मैं 10 ट्वेंटी मल्टीप्लाई पावर माइनस थ्री कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर में जीरो पॉइंट आएगा कि मेरे पास जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी हम रेजिस्टेंस जीरो पॉइंट जीरो थ्री ओह ले रहे होंगे तो अगर आपके पास पेपर में ऐसा क्वेश्चन बताया जितना आर जी आई जी आई गिवन होते हैं तो आप इजिली इसमें शंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ शंट रेजिस्टेंस